फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय ट्यूटोरियल। दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल मेकर सेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज मैं बात करूंगा स्ट्रक्चर से के जॉब से रिलेटेड कि स्ट्रक्चर के जॉब में कब जाना चाहिए और क्या राइट पाथ होना चाहिए उसके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जिनको आप ऑटो कैड स्टैट प्रो में प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें फ्री और पेड दोनों कंटेंट है, जो आपको पसंद आए वो आप उसको लेके यूज़ कर सकते हैं। सो पहले आप लोग ऐप डाउनलोड करिए। चलिए, थैंक यू, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप सब में से बहुत ढेर सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, सिर्फ एक चीज बोलते हैं, उनको किसी ने गाइड किया होता है कि स्ट्रक्चर की जॉब में जाने से पहले आप पहले 2-3 साल साइट का एक्सपीरियंस लो या फिर 1-1.5 साल साइट का एक्सपीरियंस लो। आप में से भी कई ढेर सारे बच्चों को किसी ने गाइड किया होगा। अब इसी में वो भी वीडियो देख रहे होंगे जो लोग 2-3 साल 4 साल से साइट पर है, वो लोग भी वीडियो को वॉच कर रहे होंगे। अब सिनेरियो देखो, एक बच्चा है जिसको गाइड कर दिया गया कि साइट की जॉब ही एक जिंदगी है और वहीं पर आपको जाना है, वहीं से एक्सपीरियंस लेके तब आप स्ट्रक्चर में आओ। और एक बच्चा है जो कि इस चीज को फॉलो कर चुका है, मतलब 2-3 साल 4 साल 5 साल यहां पर इन्वेस्ट कर चुका है साइट पर, अब ये जाने वाला है। अब अगर ये जाता है, जो बच्चा नया है जो कि अभी स्ट्रक्चर से जो साइट पर जाने की कोशिश कर रहा है, अब देखो क्या करेगा वो थोड़े बहुत जो भी साइट का एक्सपीरियंस है, मतलब थोड़े बहुत नॉलेज है, वो इकट्ठा करेगा। जॉब तो इजीली मिल जाती है साइट पर, लेकिन जब ये 2-3 साल तक वहां पर जॉब कर लेगा तो ये आ जाएगा इस सिचुएशन में। अब इस बच्चे से अगर तुम पूछोगे कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, तब पता चलेगा कि यार गलती पहले कर दी, नहीं तो इस सिनेरियो में नहीं आना पड़ता। इसकी क्या प्रॉब्लम है, जिसने 2-3 साल लगा दिया है, अब वो किसी भी ऑफिस जॉब में जा रहा है, स्ट्रक्चर की जॉब में जा रहा है, तो दे आर जस्ट सी देयर सीवी एंड दे जस्ट इमेजिन लाइक ही इज गुड इनसाइड। क्यों? क्योंकि उसने 2-3 साल साइट पर दिया है, तो अगर ये साइट पर रहेगा तभी अच्छा है, इसके लिए ऑफिस जॉब सुटेबल नहीं है। अभी बंदा सोच रहा है कैसे ऑफिस जॉब लो, दूसरे जगह इंटरव्यू दे रहा है। वो लोग भी यही बोल रहे हैं कि व्हाई यू वांट टू स्विच फ्रॉम साइट टू स्ट्रक्चर। तो अब बच्चा क्या करता है, जो 2-3 साल इधर लगा चुका है, उसका मतलब आंसर क्या होता है, उसका आंसर होता है कि सर मुझे ये बहुत टफ जॉब है, मैं इसमें सर्वाइव नहीं कर सकता। और कई बच्चे तो ऐसे रीजन देते हैं कि सर मुझे अभी मैरिज करना है और ये करना है, तो मैं एक फिक्स जगह पे फिक्स टाइम पर जॉब करना चाहता हूँ, साइड पर जॉब का कोई टाइम नहीं होता है। इस तरीके से जो भी एक्सक्यूज देते हो, ये एक्सक्यूज 0 पॉइंट दे देते हैं आपको। इसलिए इनको स्ट्रक्चर के जॉब में स्विच करना इतना टफ हो जाता है कि उसका इमेजिनेशन, आप में से कई बार सारे ऐसे लोग होंगे, कमेंट करके बताना कि कितना टफ होता है। अब इस बच्चे से पूछो कि साइट से स्ट्रक्चर में जाना कितना टफ हो रहा है, वो जिस इंटरव्यू में जा रहा है वो यही बोल रहे हैं व्हाई यू वांट टू स्विच। अब इनके पास कोई सॉलिड आंसर नहीं है, कभी कभी तो बहुत छोटे एक्सक्यूज मिल जाते हैं, मैरिज करना है या फिर बहुत आउट स्टेशन में जॉब है या फिर कोई जॉब का टाइमिंग नहीं है या फिर सैलरी। इस तरीके से अगर आप रीजन दोगे तो स्ट्रक्चर से साइट से स्ट्रक्चर में आना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस माई रिक्वेस्ट कि पहले से ही समझ जाओ कि आपको साइट पे 2-3 साल लगा के फिर नहीं जाना है स्ट्रक्चर में भाई, ठीक है। आपको क्या करना है, आप जब अभी स्टार्ट कर रहे हो करियर ना, आप ड्राफ्टमैन की प्रोफाइल से करियर को डिसाइड करो, ड्राफ्टमैन बनो, स्ट्रक्चर ड्राफ्टमैन बनो। अब स्ट्रक्चर ड्राफ्टमैन क्या करेगा, वो हर चीज जो भी साइट पर होता है हर चीज को एक्सपीरियंस कर चुका रहता है, लेआउट वो बनाता है, फुटिंग की ड्राइंग, बीम की ड्राइंग, फ्लैट स्लैब की ड्राइंग, स्टेयरकेस की ड्राइंग, तो सब वो बना रहा है। तो कौन से साइट की जरूरत पड़ गई मुझे, पता नहीं कौन गाइड कर देता है, तो इतनी बार में समस्या होती है। इन बेचारों से पूछो जिन्होंने 3-4 साल 5 साल 6 साल लगा दिया है, अब उनको एक स्टेबल जॉब चाहिए, स्टेबल टाइमिंग चाहिए, मिल ही नहीं पा रहा है, प्लस इनकी सैलरी भी तब तक 30-35 पहुंच जाती है। किसी तरीके से अगर ये स्ट्रक्चर में स्विच करना भी चाहें तो इनको जो ऑफर होता है वो होता है 12,000 15,000 20,000। अभी बेचारे सोचते हैं कि यार 35-40 छोड़ के मैं 20,000 के लिए जाऊं, 18,000 के लिए जाऊं, जा भी नहीं पाते। चलो कुछ लोग तो कोशिश कर पाते हैं अगर उनका फाइनेंस अच्छा है, बाकी लोग कहाँ जाएं, ठीक है। इसलिए इट्स माय रिक्वेस्ट, इफ यू वांट टू गो इन स्ट्रक्चर्स, किसी की भी सलाह मत मानो कि साइट पर जाना है, साइट पर लेआउट आओ दिखाते हैं, ये आप लेआउट बनाना सीख लोगे, कॉलम को ऐसे प्लेस करते हैं, हनीकॉम ऐसे करते हैं, भाई एक दिन खड़े हो जाओगे हनीकॉम समझ में आ जाती है, एक दिन खड़े हो जाओगे ब्लेडिंग समझ में आती है, एक दिन खड़े हो जाओगे क्रिपिंग समझ में आती है, कुछ नहीं है। तो आपको साइट पर इन्वेस्ट करने से अच्छा है, अगर आपको पहले से ड्रीम है कि मुझे स्ट्रक्चर्स में जाना है, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, जूनियर
ड्राफ्टमैन, जूनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर, जो प्रोफाइल मिले आप ऑफिस से ही स्टार्ट करो। धीरे 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 क्या होगा, आपका प्रमोशन होता चला जाएगा और अच्छे पोजीशन पर पहुंच जाओगे। गलती से स्ट्रक्चर, ये अगर साइट वाले फील्ड में पहुंच गए गलती से, इतना राउंडिंग में प्रॉब्लम आती है इन सारे बच्चों को पता है जिन्होंने 2 से 3 साल इन्वेस्ट कर दिया है। इसलिए ये मेरा सजेशन था। कई लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर ऐसा समस्या है मुझे, तो इस तरीके से अगर तुम अब इसका सलूशन चाहते हो कि 2-3 साल इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है, तो इनका सलूशन ये है कि बहुत अगर अच्छा उनके पास स्ट्रक्चर का नॉलेज है, स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट का नॉलेज है, प्लस बिल्डिंग्स वगैरह को कुछ डिजाइन वगैरह किया है, तब तो इनको स्ट्रक्चर के लिए मेहनत करना चाहिए। स्टार्टिंग सैलरी लो होगी पर धीरे धीरे आ जाएगा। बट अगर मान लो ये भी स्ट्रांग नहीं है, टेक्निकल नॉलेज भी स्ट्रांग नहीं है, तो इनको क्या करना चाहिए, इनको BIM बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग पे जाना चाहिए। साइट का एक्सपीरियंस वहाँ काफ़ी हद तक यूटिलाइज हो जाता है, इसलिए इनको BIM में जॉब जल्दी मिल जाएगी कंपेयर टू स्ट्रक्चर्स। और अगर ये जो बिगिनिंग कर रहे थे, अगर ये लोग स्टार्टिंग से ही ऑटोकैड, स्टैट्रो, RCDC, मैनुअल, एक्सेल, ईटैब, सेफ, इन सब पे फोकस करना स्टार्ट करें, बिलीव करो इनका करियर ज़्यादा बेटर होगा और इनको आगे का स्ट्रगल का टेंशन नहीं रहेगा। क्योंकि एक तो एक बार जॉब लगी, फिर 2 साल बाद का जो स्ट्रगल है बहुत खतरनाक होता है। सो आप सब लोग से मैं चाहता हूँ कि कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करो यार, जिससे कि आपका भी एक्सपीरियंस पढ़ के लोगों को मोटिवेशन मिले कि यार हाँ इन्होंने ये गलती कर दी थी, जैसे मैंने भी गलती की, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी अपनी गलती को बताना कि ये गलती ऐसे हुई है, तो ये पढ़ गया मैं, या फिर मुझे इन्होंने XYZ ने सजेशन दिया कि बिना साइट के एक्सपीरियंस के आप स्ट्रक्चर इंजीनियर बन ही नहीं सकते हो, तो भाई साहब नाम ले लूंगा का भी थोड़ा सा कमेंट करो, ठीक है। तो एटलीस्ट लोगों को पता चले कि नहीं ये गलत सजेशन है, ठीक है। अगर आपको साइट का नॉलेज लेना है तो मैं आपको बता रहा हूँ, संदीप मंत्री सर की बुक पढ़ लीजिए, बहुत ढेर सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, उनको देख लीजिए। दैट इज सफिशियंट फॉर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जॉब। यार हमें लेआउट से, हमें प्लान से मतलब होता है, आर्किटेक्चर प्लान से हमको क्या मतलब है कि पड़ोस में किसका घर है, हमें प्लान चाहिए और सॉइल की रिपोर्ट चाहिए, दो चीज से सारा कुछ हो जाता है। अभी हम लोग का एक रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि दुबई का है, अब मैं वहां जा थोड़ी रहा हूं, मैं प्लानिंग मंगा लिया मैंने, सॉइल की रिपोर्ट आज इवनिंग में आ जाएगी, हम लोग प्रोजेक्ट करके उनको यहीं से सबमिट कर देंगे दुबई में। तो क्या है ये है कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग पढ़ना आता है तो स्ट्रक्चर के जॉब में स्टैट प्रो और ईडेप्स और सेफ, RCDC, इन सब सॉफ्टवेयर के मदद से आराम से आप पहुंच जाओगे। चलिए, होप आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। मैं चाहता हूं अपने एक्सपीरियंस को आप जरूर शेयर करें, जिससे कि अगली वीडियो में मैं आपके एक्सपीरियंस को भी ऐड करके सामने सबको तक पहुंचा सकूं। कर भला हो भला। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।